हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको राजपूती पोशाक मंगजी के बारे में बताने वाली हूँ कि इसकी कटिंग कैसे करते हैं। उसके लिए मेरे पास ये कपड़ा है। अस्तर वाली पोशाक के लिए मंगजी काट रही हूँ। सबसे पहले कपड़े को इस तरह से बिछाना है। आप चाहो तो मंगजी दो तरीके से काट सकते हो। पहले तो इस तरफ सिलाई लगा के और ट्राइंगल शेप देकर और कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है। देखिए ट्राइंगल शेप में, इस तरीके से ट्राइंगल शेप देकर भी आप मंगजी कटिंग कर सकते हैं। और अब इस कोने से मंगजी को इस तरह से फोल्ड करना है कपड़े को। जो मंगजी की चौड़ाई जो है वो हमें रखनी है 6 इंच, यानी कि 6 इंच मंगजी काटनी है। तो 6 इंच पर निशान लगाएंगे और इस कपड़े को वापस से इस तरफ फोल्ड कर देंगे 6 इंच पर। ऐसे बराबर 6 इंच पर निशान लगा देना है और इस तरह से इसको एक बार और फोल्ड कर देना है। ये मैं लहंगे के लिए कटिंग कर रही हूँ मगजी। अब यहाँ से कट कर लेना है एक्स्ट्रा कपड़ा। इस तरीके से बराबर 6 इंच पर निशान लगाना है। और यहां से अब इस मगजी को अलग कर लेना है। दूसरी साइड से भी मगजी को अलग कर लेना है। इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से मगजी की कटिंग कर सकते हैं। ये हमारे लहंगे की मगजी कट कर तैयार है। इसको इस तरीके से जोड़ना है। अब कुर्ती के लिए मगजी काटेंगे। इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है। मगजी हमेशा उरेब कपड़े में से निकलती है। कुर्ती की मंगजी के लिए हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 2.5 इंच की हमें कुर्ती के लिए मंगजी निकालनी है। और यहां से कपड़े को कट कर लेना है। अब इस कटी हुई मंगजी को इस कपड़े पर रखकर और मंगजी निकाल लेनी है। बराबर कपड़े पर बिछाना है इसको। इस तरीके से और मगजी निकालेंगे। इस तरीके से आप पोशाक, राजपूती पोशाक के लिए कुर्ती और लहंगे की मगजी निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।